व्यक्ति सो लेट अस स्टार्ट। कितने लोग आ गए? आई एम ऑडिबल टू यू प्रॉपरली अक्षिका? यस सर। कोई आवाज में कट तो नहीं आ रही है या कोई प्रॉब्लम आ रही है? स्क्रीन में इट्स गुड। हाँ चलो। सो हमने ये सिलेबस है, देखो आइसोलेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ आरएनए डीएनए जीनोमिक प्लाज्मा एंड प्रोटीन्स डिफरेंट सेपरेशन मेथड एनालिसिस ऑफ आरएनए डीएनए एंड प्रोटीन बाय वन एंड टू डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग जेल। तो आज यहाँ तक हम खत्म करने वाले हैं, स्टार्टिंग विद द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कॉन्सेप्ट इन डिटेल, देयर डिफरेंसेस वेयर दे आर यूजिंग, है ना। तो ओके, तो आपको रेगुलर रहना है क्लास में। एंड दिस इज द मोटो ऑफ द क्लास टुडे, स्टॉप सेइंग आई विश, राइट। दिस इज फॉर, इसके लिए मैं बोलूँ सेप। सो यू नीड टू बी कैलकुलेशन, है ना, यू नीड टू हैव ए गुड कैलकुलेशन। सो नाउ चॉइस इज चेंजिंग, है ना। एवरी साइंटिस्ट वॉन्टेड टू बी ए ग्रेट साइंटिस्ट इन देयर लाइफ विदाउट टीचिंग एनीथिंग। सो यू मस्ट प्रैक्टिस योर सेल्फ परफेक्टली, राइट, बिकॉज आफ्टर एडमिशन इन पी एच डी नो टीचर इज गोइंग टू गिव यू सपोर्ट, बिकॉज टूडेज टीचर आर सो मच बिजी, है ना, दे आर अनेबल टू गिव टाइम टू देयर स्टूडेंट्स। सो वॉट आई कैन से यू हियर, वॉट इज गिवेन, ऑप्टिकल डेंसिटी, है ना, हाउ मच बेस पेयर, करेंट बेस पेयर इज 400 बेस पेयर, राइट, लॉन्ग बेस पेयर लॉन्ग 1 ml डीएनए सॉल्यूशन वाज फाउंड, ओडी करंट ओडी ऑफ 400 बेस पेयर इज 0.052, राइट। एंड दे आर आस्किंग व्हाट, हाउ मेनी डीएनए मॉलिक्यूल, हाउ मेनी डीएनए मॉलिक्यूल। ओके बेटा, आवाज आ रही है आपको? सारे गायब हो गए क्या? यस सर, आ रही है, आ रही है सर। सो दिस इज गिवन 1 base pair एंड यू नो दिस इज द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ नीट। ये नीट में पूछा गया कम से कम 10 बार पूछा गया है एंड आई वाज वाचिंग सीएसआर में कम से कम 5 बार पूछा गया है। सो यू कैन एक्सपेक्ट गेट में मुझे लगता है ये भी पूछा गया होगा, मैंने देखा नहीं, मुझे मौका नहीं है। तो आप लोगों को दिन में कोई क्वेश्चन मिलता है तो यू शुड शेयर इन द ग्रुप, क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं एंड आई वांट कि, मैंने अभी जितने भी फालतू लोग थे उनको हटा दिया। सर मैं कल जेआरई का देख रही थी, जेआरई का, तो वहां पे मुझे का सेम सिलेबस है, सेम सिलेबस। सर मुझे वहां पे एक क्वेश्चन जैसे टेस्ट पेपर होते हैं वैसे वो मुझे मिला था। बिल्कुल सीएसआईआर और जेआरई में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और अगर आप जीआरई तैयारी करते हो तो आई कैन बेट कि मैं ऐसा रिकमेंडेशन दूंगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और बेटर है कि अगर जीआरई से बजाय आप यूनिवर्सिटी पहले सेलेक्ट कर लो और वहां की ये चीज देख लो कि व्हाट दे आर रिक्वायरिंग। सम यूनिवर्सिटी इज रिक्वायरिंग ओनली टफर, इट्स इजी, ठीक है ना। द डोंट मोस्ट ऑफ द 90% यूनिवर्सिटी डोंट नीड जीआरई, दे आइदर नीड टफर और आईलेट्स। और जैसे अभी अफरीन तुम्हारा एक पेपर पब्लिश हो गया है ना, तो मैं शायद डाला था किसी पेपर में, तो अगर पेपर पब्लिश है देन यू डोंट नीड माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सर, वो बैक्टीरिया का जो था। हाँ वो मुझे याद दिला देना कैसे था। ओके तो वो अगर आपका पेपर पब्लिश है देन यू डोंट नीड आईलेट्स और टॉफेल और एनीथिंग, बट आईलेट्स अगर चाहिए तो कम से कम 6 बैंड चाहिए और टॉफेल का स्कोर अच्छा होना चाहिए, मतलब ये भी 70-80% होना चाहिए, तो आपको स्कॉलरशिप फुल स्कॉलरशिप मिल जाती है फुल स्कॉलरशिप मिल जाती है, ये बेनिफिट है इसका। इस पे ध्यान दो आप लोग, एक अपॉर्चुनिटी है ये, मैं बहुत ट्राई करता रहा आफ्टर पीएचडी की मैं जाके सेट। हाँ सर, एक्चुअली आपकी आवाज वॉइस डबल डबल आ रही है। डबल क्यों आ रही सर? वो यूट्यूब वाली भी और फोन वाली भी। यूट्यूब बंद कर दो ना।
तुम्हारे तरफ से आ रही होगी या म्यूट कर दो, ना हमने क्या किया, यूट्यूब चालू रखा है लेकिन हमने क्या किया, म्यूट कर दिया है। सर मैंने भी म्यूट कर रखा है। हाँ तो फिर प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, प्रॉब्लम तो आनी चाहिए। म्यूट कर दो मोबाइल का वॉयस, खाली म्यूट कर दो ताकि चैट वैट में मतलब एक दिखता रहे, तो रिकॉर्डिंग हो जाती है, अच्छा रहता है। सो आई एम वॉचिंग माई प्रोग्रेस ऑल्सो, व्हाट इज हैपनिंग। चलो आई थिंक इट्स स्ट्रीमिंग है ना, लेकिन रुका हुआ है स्ट्रीमिंग ना, आगे नहीं बढ़ रहा है। चलो आप बाद में देखेंगे क्या हो रहा है, यहाँ से चेक कर सकते हैं वैसे। हाँ तो मेरे को मैसेज तो आया, बीच में रुक जाता है। मैं भी बाहर हूँ सर, एक्चुअली सिस्टम में बहुत सारी चीजें एक साथ चलती रहती है ना, तो हाँ लैग होने लगता है, तो रिकॉर्डिंग तो होती रहती है, बाद में वो आता है। लेकिन मैं देखा वॉयस की रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी थी। चलो एनीवे, गिवन ओडी 0.052 बीपी 400 बेस पेयर, ठीक है ना, वन बेस पेयर दिया हुआ है, मल्टीपल वेट इज अराउंड 650 डाल्टन एंड ओडी ऑफ वन ओडी इज इक्वल टू 50 माइक्रोग्राम DNA पर ML, ये है ना। तो हाउ विल यू सॉल्व, गेस करो आप, हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व। सी दैट सर, वन बेस पेयर इज इक्वल टू 650 डेल्टन, सो 400 इनटू 650 को मल्टीप्लाई करना होगा। पहले यही करना है, यस 400 इनटू मल्टीप्लाई, सी देखो कितना जाएगा, 400 इनटू 650 हो जाएगा 26,000। 3 0 लगा दिया, एक जीरो और होगा ना, 4 0 4 0 हाँ 4 0 हो गया, यस सर 4 0 हो गया। और सर ओडी को भी हम निकाल सकते हैं, जैसे मतलब 50 को मल्टीप्लाई करने से वो ऑप्टिकल डेंसिटी हो जाएगा, है ना सर? हाँ ये हो जाएगा 50 माइक्रोग्राम इंटू 0.052, कितना हो गया 2.6 सर, अभी आगे कैसे करना है मतलब वो नहीं पता। हाँ कोई बात नहीं, आगे हो जाएगा, आगे मैं दिखा देता हूँ, ये मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। देखो 1 ओडी इतना कर लिया, 2.6 माइक्रोग्राम पर एमएल आ गया, 400 बेस पेयर का मल्टीप्लाई किया तो इतना आ गया 26, है ना। अब क्या करना है, 1 मोल कंटेन 6 × 23 मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल ही पूछा हुआ है ना, तो क्या करना है 2.6 अपॉन 26,000 करके ये आपकी कैलकुलेशन आ जाएगी कि कितना मॉलिक्यूल है टोटल, 1 × 10⁻¹, सो 1 × 10⁻⁴ विल कंटेन हाउ मच मॉलिक्यूल, दैट विल बी योर आंसर।
ओके चलिए आई थिंक आंसर आप आंसर ये होगा ना फर्स्ट वाला 11 है ना वो भाई 10 पर माइनस 11 है हाँ यस यस है ना सो आ गया पहला वाला आंसर 6 इनटू 10 पर 12 देने मालिकों एक और मैं सोल्यूशन देख रहा था ये तो डायरेक्ट तरीका है एक ऐसा मेथड जिसको कि समझना थोड़ा इजी हो सकता है आपके लिए वन बेस पेयर इक्वल टू 650 डाल्टन सो ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ वन ओडी करेस्पॉन्ड टू 50 माइक्रोग्राम डीएनए पर एमएल दिस इज गिवन वन डाल्टन अगर आप कैलकुलेट करते हो इस हिसाब से तो कितना होता है 1.661 इनटू दिस इज द फार्मूला है ना कि वन डाल्टन इक्वल टू हाउ मच दिस इज 1.661 इनटू 10 पावर माइनस 21 एमजी ठीक है तो चूंकि 400 डाल्टन है सॉरी 400 दिया हुआ है तो ये हो गया 26,000 तो 26,000 डाल्टन को कन्वर्ट कर लो एमजी में वहां पे हमने क्या किया था डायरेक्ट किया था गेस करने के लिए डाल्टन को एमजी में कन्वर्ट नहीं किया था राइट दिस वाज द प्रॉब्लम ओके समझ बात सो अब कितना हो गया सर वो पहला वाला ज्यादा सही लग रहा सर मोल कॉन्सेप्ट अगर याद होता तो एक ही झटके में हो जाता है आंसर कैलकुलेशन भी करना नहीं पड़ता हाँ बिल्कुल राइट लेकिन समझ लो एक्चुअल में एक फॉर्मूला होता है मैथ का कि यूनिट सेम होना चाहिए ना तो जैसे डाल्टन को एमजी में तो एमजी में दिया ही हुआ है कि 1 ओडी इक्वल टू इतना एमजी माइक्रोग्राम तो माइक्रोग्राम या एमजी मिलीग्राम है ना तो एक सेम यूनिट में नहीं था फिर भी हम लोगों ने आंसर ले लिया था बट ये एग्जैक्टली है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी एंड ये आप किसी बच्चे को समझाओगे थोड़ी ना वो डायरेक्ट समझेगा ठीक है आपको तो उसको तो पूरा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कोई या इंटरव्यू में अगर बैठ गए मान लो उन्होंने पूछ लिया चलो भाई बताओ देन व्हाट विल बी योर एक्सप्लेनेशन कैसे करोगे एक्सप्लेन आपको तो पूरा बोलना पड़ेगा राइट There is no other way, no? There is no other way. Bolna hi padega. So this is a conversion into MG. 1 OD is equal to 50 micron being diya hua hai, OD 0.52. Waise calculation hai saru kuch hai na? So final calculation is total amount of DNA. अरे 19 व्यूज हो चुके हैं तुम लोग सोच रहे मजाक चल रहा है सच में काफी अच्छा रिस्पांस है यूट्यूब लाइव पे मतलब लोग आ रहे हैं चूंकि हमारी स्ट्रीमिंग थोड़ी अच्छी सेट नहीं हो रही है अदरवाइज तो ये बड़ा अच्छा चलता है चलो लेट मी सी रिस्पांस जो भी होगा इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे So total amount of DNA is 1 ml per mole weight of one molecule of DNA in GM. So we have directly 2.6 into 10 power minus 3 upon 10 power minus 21 se divide kar diya. So it's exactly coming this molecule. Okay. Okay. Next chale. So now see what is the basic thing separation if you are talking about the gel electrophoresis it's a complex having the complex principle and that's why there is a variety of separation methodology is there and separation of DNA RNA protein and all this depend on the different type of gels how you are using the gels what type of gels you are using and this is called as the supporting media right and they have the property that they are having the molecular sieve okay they have the molecular sieves and basically they have all the features that is required for the
separation of these molecules. So what we can separate? This is the first question. Second, how we are separating, what is the principle lies, and if agarose is sufficient or some other material also required. So this has been observed that agar gel is basically important for the separation of protein mixtures. Right, this is separation for the protein mixtures. Okay. Chalo. So you note kar lo, agar gel, different type of protein mixture as well as nucleic acid, right? But polyacrylamide gel is more suitable for separation of nucleic acid proteins. But nucleic acid ko kam hi karte hain, zyada tar DNA ko run karate hain agar gel. That's why this is called as the agar gel electrophoresis. Agar gel electrophoresis DNA se karte hain. हमने जो अपने लैब में कराया था, दैट वाज द प्रोटीन सेपरेशन बाय पीज, पॉलीएथिलमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. पीज दो तरह की होती है, एक तो नेटिव पीज होती है, राइट, जिससे कि आप मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स यू कैन सेपरेट, राइट. और अगर आपका प्रोटीन पता है आपको, देन यू शुड गो फॉर द एसडीएस पेज सेपरेशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हीमोग्लोबिन का एस डी एस पेज कराते हो, हीमोग्लोबिन इज ए टेट्रामर, हीमोग्लोबिन इज ए टेट्रामर, है ना. तो आपको कैसा बैंड मिलेगा हीमोग्लोबिन का एस डी एस पेज में? चार बैंड तो नहीं मिलेंगे, जब तक कि आप पूरा प्रिंसिपल नहीं समझ लोगे. देन यू कैनॉट प्रिडिक्ट की हाउ मेनी बैंड्स यू विल गेट. This may be up like this or all the bands at a place though. So what is the meaning of that and what is the meaning of this? So we'll understand shortly, right? So this is a complete setup of the gel electrophoresis, in which you have the casting tray for making gel slab, and then you are making the gel, pouring into the casting tray, right? And then this casting tray is sealed with the tape, brown tape. Okay, you can see there is no tape here, only the glass slide, support tape, casting tray, slot for comb, right? So comb that form, wells for sample, and then in the power supply we are giving, pouring the DNA sample. That is called the loading of the DNA samples in the well, and then electrophoresis starts with the help of power supply. A lot of questions being asked, say, sir, how much voltage is required, how much time is required, how much temperature is required, right? And what is the meaning? Basically, they are asking about the gel analysis. So you must understand well how we are going to. Okay, so now see one by one. This is the type of electrophoresis. A lot of electrophoresis you can see here available. Gel electrophoresis, right? And then high resolution electrophoresis, capillary electrophoresis, isoelectric focusing. So capillary electrophoresis is not in your syllabus already. You know, 2D electrophoresis is in your syllabus, and isoelectric focusing is in your syllabus, and all type of gel electrophoresis basic principle is in your syllabus. For, especially you have to study about the isoelectric focusing and SPLC, right? And basically you have to understand their principle, working principle. Okay. So purpose of gel electrophoresis, separation on the size, basis of size of the DNA, RNA and protein, right? And we can also purify it by perfectly separating it in the gel electrophoresis, DNA, RNA and proteins. Okay, so what are the different type of gel electrophoresis? Basically I have told you agarose and polyacrylamide gel. So what is the difference between
any idea? तो पॉलीएक्रिलामाइड जेल और अगर उस जेल में पोर साइज डिफरेंट होता है, अगर उस जेल का पोर साइज बड़ा होता है कंपेयर टू पॉलीएक्रिलामाइड जेल। हाँ, यही चीज पूछा वैसे सर ने, राइट। अगर वो जेल जो है स्पेशली फॉर द डीएनए एंड पॉलीएक्रिल जेल जो है स्पेशली फॉर द प्रोटीन। सो इफ यू कैन सी बेसिक फंडा इज साइज एंड आल्सो ओरिएंटेशन। अगर वो जेल इज हॉरिजॉन्टली वर्किंग, पॉलीक्रिलामाइड जेल इज वर्टिकली, सो इट्स बेस्ट फॉर प्रोटीन्स। डीएनए और प्रोटीन लिखा है, बट इन माय व्यू दिस इज बेस्ट फॉर द प्रोटीन बिकॉज देयर इज अ टू जेल्स, स्टैकिंग जेल, राइट, स्टैकिंग जेल एंड देन सेपरेटिंग जेल, सेपरेटिंग जेल, दिस इज बेस्ट फॉर प्रोटीन। व्हाई? बिकॉज सपोज यू हैव द डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट साइज ऑफ प्रोटीन, सो ऑल दे आर एग्रीगेटिंग फर्स्ट एट ए स्पेसिफिक वेल according to their molecular weight. Suppose this is 200, and all 300 here, 400 here, 800 here. So they are separating based on the molecular weight at one place. That's why this is called the stacking. Matlab, similar flocks collected together. Okay, now then the separation starts. So if 800 have the smaller size, larger size, and more smaller, so they will be separating on the basis of like this. Okay, so best stain that is used in the page is commercial blue stain. This is another important feature. And ethidium bromide was earlier used. Now it's avoided because this is of and cancerous, very very toxic and cancerous. So if it's released in the water bodies after washing, then water bodies, all the animals in the water bodies are going to be killed. That is the problem. Agrogel separating large molecule, and this is for the small molecule, means DNA is larger than protein. DNA is larger than protein. Okay, so this was asking, this is here, which is larger, DNA or protein? Yes sir, DNA is larger. DNA is larger than protein. So gel electrophoresis of DNA, obviously you must know it, what they are using. They are using the ethidium bromide, but this is not nowadays used. So blue orange dyes, this buffer is very important, and then EDTA very important, this base is a, and pH is very important. How much pH we are going to use? pH 8, and then everything should be sterilized. So gel electrophoresis is carried out in the two methods, vertical, I have told you, and the horizontal. You can, in the old methodology, star gel electrophoresis is also preferred. So this was classified like this: gel electrophoresis, agrogel electrophoresis, star gel electrophoresis, and page electrophoresis. Okay. So I think someone is checking. It's live or not? I don't know. नहीं हो रहा फिर से. Again, again, gel type already discussed. Agrogel electrophoresis commonly used support medium and less expensive, made up of, ये पूछा हुआ है, what is the nature of agrose? This is made up of cellulose acetate, actually good for separation of nucleic acid, and this is acidic polysaccharide, right? And this was also asked, what is the nature of this cellulose acetate? The nature is sulfated galactose. This is made up of sulfated galactose. Meri awaaz aa rahi hai na? Yes, sir. This is sulfated agarose. Agarose is a sulfate, a free fraction of agar. And nature, you must remember, this is sulfated galactose. So always you should use the buffer so that there should not be any distraction in the actual size and shape, right? And
electro forces should be run about at least 90 minutes. This is the actual timing. So agarose is a mixture of polysaccharide actually, and highly purified uncharged molecule. So though it's a galactose sulfate, but this is not charged. This is, you must know that, right? And this is a repeating unit of 3,6 anhydride anhydro L galactose. This is a disaccharide, you know, but this is a disaccharide. So agarose involved. Agarose, this is going to dissolve at 40 degrees centigrade, and a boiling liquid, and greater than 40 degrees, 40 to 100 degrees centigrade, start boiling. And then you can cool it down, and then it's form a gel-like structure. So this is the basic idea of its chemistry, biochemistry. So polysaccharide, so basically disaccharide. Agar and agarose. उसी का synonym name है. अच्छा अच्छा. हाँ, synonym name है, nothing difference. Agar gel electrophoresis कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग agarose gel electrophoresis बोलते हैं. तो दोनों सही है. Right, agarose gel बहुत ही weak होता है, बहुत ही fragile होता है, so basically they are hold together by which bond? This was asked in the CSIR. ठीक है ना? तो this is hydrochloride. Let me know. This is hydrochlorides and agarose gel held together by weak hydrogen. Weak hydrogen and hydrophobic bond. ठीक है ना? Weak hydrogen and hydrophobic bond. ये important है. Hydrogen and hydrophobic bond. So now coming to the separation. So how is the pore size? Pore size is very large. Okay, and basically they can use to separate out the large nucleic acid, large protein, and protein complex. Okay, pore size large nucleic acid, large protein, and protein complexes. So large word is used, large means agarose, and weak and hydrophobic bonds are there. So this is this point will help you in idea of getting exactly how the large molecule are going to be separated. So if you want to separate out the protein, so large quantity of protein is required, right? And that can be separated easily. So what should be the nature of the molecule that should be separated on the agarose gel electrophoresis? So agarose gel electrophoresis, because you are supplying the charge, so towards the positive, negative end DNA molecule is mobile towards the positive. Okay. So it should be highly negative. First thing. So negatively charged protein or DNA, both can be separated. Right. So if you will see, it's taking too much time sometime for the large protein or DNA. Okay. So recovery of protein is good, but only for specific purposes, rather than this is best for DNA separation. ठीक है, तो agarose gel electrophoresis सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि स्मॉल, वेरी स्मॉल क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड
एंड इजीली कैन बी एंड दिस इज लेस कॉस्टली, ठीक है ना। सो रिजोल्यूशन की अगर बात करोगे, रिजोल्यूशन इज वेरी लेस एज कंपेयर टू पीस। दैट्स वाई प्रोटीन सेपरेशन में व्हाट इज बेसिकली इंपॉर्टेंट इन द प्रोटीन सेपरेशन, बेसिकली रिजोल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिजोल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। साउंड कहीं क्रैक तो नहीं हो रहा है, कहीं आवाज ऐसी तो ब्रेक तो नहीं हो रही है? नो सर, नो सर। चलो इसका मतलब वाईफाई अच्छा काम कर रहा है, वेरी गुड। एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए लाइफ में, बिकॉज़ लाइफ इज यूनिक एंड इट गिव यू अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ आल्सो, है ना। The resolution is very important for the protein separation, and since this is having a very poor resolution, so that's why agarose gel electrophoresis is not important for the protein, avoided for the protein separation. Basically, it's important for the DNA, where you can, you don't need a very specific kind of resolution. This was the one aspect. And what is the electroosmosis? Why they are saying electroosmosis would be very good? Electroosmosis is very high. I will tell you in the capillary electrophoresis why this is important, right? Why this is important. Okay. So, स्टेमिंग हो तो रही है, आपने चेक किया? मैं शेयर करूं फिर से, चेक करो, स्टेमिंग इज नॉट वेरी गुड। मैं फिर से शेयर करता हूं, मे बी लिंक चेंज हो रहा है कई बार, रिकॉर्ड दैट लिंक, इट्स हैविंग वेरी गुड स्टेमिंग। मुझे भी नहीं पता लगता क्योंकि टेक्नोलॉजिकल मैं काम करूँ कि क्लास में बहुत इज नॉट पॉसिबल ना। मैं देख रहा हूँ मेरा न्यूमेरिकल वगैरह सब रिकॉर्ड होकर आया है, हाँ ये भी आया है सारा जो मैंने न्यूमेरिकल पर आया है, कम किया आगे कुछ, हाँ पूरा आ रहा है, बस थोड़ा सा पीछे चल रहा है बट इट्स गुड। ना पता नहीं चिल्ला नहीं चल रहा है बट मुझे लगता है रिकॉर्डिंग है जो वो सो कर रहा है। चलो सो वाइडली यूज इन इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस एंटीजन एंटीबॉडी सेपरेशन एंड टू सेपरेट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन मिक्सचर एज वेल न्यूक्लिक एसिड भी हो जा रहा है। सो दिस इज द जेल स्ट्रक्चर ऑफ एग्रोस, this is the solid state, above 45 degree centigrade up to 100 degree centigrade, this is the initial gel and this is the final gel structure, and between this initial gel to final gel there is a called phase, is called as the aging, right? This is the phase called aging, you know, color aging is very important in the final gel formation, final gel formation. Yeah. So phase, you can see it is, they are prepared by polyacrylamide monomers in presence of bisacrylamide, named bisacrylamide, and bisacrylamide is added, ammonium persulfate basically added, ठीक है। मेरे जमाने में तो हम लोग APS डालते थे, that is called the ammonium persulfate, ठीक है। This is used for the ammonium polymerization, polymerization of acrylamide plus methylene bisacrylamide. एक्रिलामाइड क्रॉस लिंकिंग बननी जरूरी है, एक्रिलामाइड प्लस बिस
मिथाइल इंडिसेट में था। ठीक है, and this is going to give the cross link. Light ammonium persulfate is added for the cross linking. Then, and this cross linking is very tough. What is the covalent cross linking? Sometimes they can ask the chlamide structure. The structure of a chlamide is CH2CHCONH2. Alright. Polymer gel are tougher than agarose gel. It is thermostable. Thermostable. Transparent. Strong. Chemically inert. And also they are uncharged. ठीक है, दैट्स व्हाई फाइनली दे आर सेपरेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज टू मास रेशियो। सेपरेशन और मॉलिक्यूलर सीविंग इज बेस्ड ऑन द चार्ज टू मास रेशियो। ओके, कोवेलेंट क्रॉस लिंकिंग थर्मोस्टेबल वर्ड यूज किया गया है ना, काफी हीट भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जेल टूट जाता है। ट्रांसपेरेंट काफी अच्छा होता है, अनचार्ज्ड होता है, स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग है ना, मतलब आप हाथ से भी ऐसे हिला रहे हो तो कोई फर्क नहीं, वो टूटेगा नहीं। अगर उस तो जरा सा भी टच कर दो ना पिन से या हाथ से, गया, फ्रेजाइल होता है। बहुत बहुत ही फ्रेजाइल है वर्ड हमने यूज किया। जैसे हम लोग माइक्रो बायोलॉजी लैब में भी स्ट्रीकिंग या वो करते हैं तो हाँ, बहुत जल्दी है। अगर बहुत ही फ्रेजाइल है, बहुत ही, क्योंकि उसमें कोवेलेंट क्रॉस लिंकिंग नहीं। हमने बताया था कि उसमें कौन सी क्रॉस लिंकिंग है, हाइड्रोजन बॉन्ड और हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, कहीं भी कोवेलेंट लिंकिंग तो है ही। तो प्रोटीन के लिए अगर आप देखो तो मोस्ट ऑफ द लेबोरेटरी, जो अच्छी लेबोरेटरी है जहाँ बहुत अच्छे इम्पैक्ट में पेपर छप रहे हैं, वहाँ ज्यादातर वर्क हो रहा है प्रोटीन पे, ठीक है ना। और जैसे कोरोना पे भी है तो न्यूक्लिक एसिड पे थोड़ी काम कर रहा है, न्यूक्लिक एसिड पे सिक्वेंसिंग हो रहा है, लेकिन इसके कौन से प्रोटीन बन रहा है, उसकी जो स्पाइक है वो प्रोटीन ही है बेसिकली, तो उनको एनालिसिस करना है ना, उनको बार बार एनालिसिस करना है कि किस तरह की चेंजिंग हो रही है, क्या हो रहा है, राइट। ये बताया कि देयर आर टू टाइप ऑफ पेज, नेटिव पेज एंड एसडीएस पेज। तो हमको कहीं भी इंटरव्यू में जाते थे, इंटरव्यू में यही पूछता था कि वेयर यू आर यूजिंग द नेटिव पेज, वेयर यू विल यूज द SDS page. हमने बताया था, if there is a mixture of protein is there and you want their separation and purification, then only page you will use, that is the native page. ठीक है, native page. हम लोग कितना मजाक उड़ाते थे, नटूरे बोलते थे, नटूरे पेज, नेचुरल पेज, बहुत ही मतलब उस समय समझ नहीं आता था, इतना हम लोग पढ़ते थे, नेटिव पेज, एसडीएस पेज करते थे, सेपरेशन करते थे, टॉप रैंक करते तो सिलेक्शन भी हुआ था, सिलेक्शन हुआ था तो काम करते थे। अभी देखो लाइव हो रही है, अच्छे से परफेक्टली लाइव हो रही है, आई कैन शो यू, कैमरे पे देखना चाहोगे, देखो मैंने पूरा जो डीएनए में पढ़ाया है आपको, ये देखो, देख पा रहे हो, पूरा प्रोटीन का आ रहा है। मैंने म्यूट कर रखा तो वॉयस, हाँ वॉयस नहीं आएगी, बट ठीक है, चलते रहना चाहिए। तो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ प्रोटीन इज वेरी गुड फॉर द नेटिव पेज। इफ टॉकिंग अबाउट द एसडीएस पेज, दिस इज कॉमनली यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द मॉलिक्यूलर वेट। अगर मान लो आपने कोई नया प्रोटीन आइसोलेट किया, उसका मॉलिक्यूलर वेट नहीं पता है, कि जैसे अगर आपको स्ट्रक्चर पता करना है, जैसे हमने बोला हीमोग्लोबिन का, हीमोग्लोबिन में तो आपको चारों सेम साइज के हैं, तो आपको अगर आप एसडीएस पेज रन कराओगे तो आपको चार यूनिट एक ही जगह पर मिलेगी, मतलब आप से बहुत ज्यादा क्लियर डिफरेंस नहीं कर पाओगे। एलडीएच का, एलडीएच का अगर आप देखोगे तो एलडीएच एज ए टू आइसोमर्स एच एच एम, तो अगर मान लो एच फोर एम है,
अलग बैंड आएगी ना, एच थ्री एम टू है, नहीं एच फोर, एच फोर एच फोर ही होता है, देन एच थ्री एम, एच टू एम टू, देन एच एम थ्री एंड देन एम फोर, राइट। तो अलग अलग बैंड आपको आएगी, तो यू कैन डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट वेल बाय द यूज ऑफ स्पेस। लेकिन अगर आपको ये जानना है कि हाउ मच टेट्रामर, अगर जैसे प्रोटियोमिक्स में मैं देख रहा था, अभी मैं एक चैप्टर भी लिख रहा हूँ आप लोगों को, मैंने दिया था एक किताब लिखने का काम चैप्टर, वो जब भी टाइम मिले थोड़ा थोड़ा देख के लिखते रहो, या कलेक्शन ऑफ मटेरियल ही करना है वो करके मुझे भेज दो, ठीक है ना, वो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। चलो सर, सर यानी कि सर नेटिव फेज और एसजीएस फेज, नेटिव फेज में हम जो ओरिजिनल प्रोटीन है वही करेंगे, ओरिजिनल प्रोटीन, क्योंकि एसजीएस फेज में डीनेचर हो जाएगा, तो ओरिजिनलिटी खत्म हो जाएगी। और मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स मतलब वैरायटी ऑफ प्रोटीन, अल्फा बीटा जो भी इंटरेक्शन है वो सारा यहाँ पे कर सकते हैं नेटिव फेज में, दिस इज नॉन डीनेचरिंग कंडीशन, यहाँ पे डीनेचर नहीं होगा। तो यू कैन डिटरमाइन द नेचुरल स्ट्रक्चर ऑफ, व्हाट इज द नेचुरल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, दैट्स व्हाई दिस नेटिव फेज इज यूज्ड, व्हाट इज द नेचुरल स्ट्रक्चर ऑफ। सर इसका क्या मतलब है, वेरी सर लास्ट वाला, वेरी यूजफुल फॉर चेकिंग प्योरिटी ऑफ प्रोटीन सैंपल। तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे डिटरमाइन करोगे, एच फोर है राइट, तो आपको मार्कर तो रन कराना पड़ेगा ना, तो अगर इसका 400 मार्कर है मॉलिक्यूलर वेट प्योर एच फोर का, और यहाँ पे 300 आ रहा है, इसका मतलब ये सेपरेट तो हो गया बट देर आर सम प्रॉब्लम। यू कैन चेक द प्योरिटी ऑफ प्रोटीन सैंपल बाय यूजिंग दिस डी नेचुरिंग पेज, इसको बोलते हैं डी नेचुरिंग पेज। So original electrophoresis was native phase, and then later on I discovered that HGS phase would be there to determine its property of the protein like molecular weight and purity. So phase procedure already you might be knowing, all right, this is vertical, ek to inki property ye hai, dusra top, there have two pore size, दो तरह के पोर साइज होते हैं, टू पोर साइज राइट, एक तो लार्ज पोर एट द टॉप एंड स्मॉल स्मॉल पोर एट बॉटम, ठीक है। सो and the next thing is microgram quantity you can analyze, but there are also two pH, do pH hoti hai na, there are two pH, stacking gel has a different pH and separating gel have a different pH, तो ये इनकी प्रॉपर्टीज होती है बेसिकली, मैं भी पिक्चर भी दिखा दूंगा इसका। एंड रेट ऑफ माइग्रेशन टोटली डिपेंड्स ऑन द चार्ज टू मास रेशियो, पूछा भी वैसे सर ने कितना एस डी एस कितना चार्ज डालता है, हाउ मच चार्ज इज एडेड बाय द एस डी एस टू द मॉलिक्यूल्स आइदर प्रोटीन और डीएनए, दिस इज 1.4 एग्जैक्टली, उसमें नहीं है वन मॉलिक्यूल्स ऑफ एस डी एस, वन मॉलिक्यूल ऑफ एस डी एस प्रोवाइडिंग हाउ मच चार्ज टू द प्रोटीन्स, 1.4 उसका डिटेल मैं अभी देता हूँ, बिल्कुल ये पिक्चोरियल, हाँ रिप्रेजेंटेशन है, ये देखो
बफर जेल एंड देन बफर, दो बफर हो गए, ऊपर नीचे बीच में जेल है, ठीक है। अब ये प्रोटीन बैंड यू कैन सी आफ्टर द स्टेनिंग, राइट, एंड दिस इज सैंपल वेल, दिस इज पॉलीफिमर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इज पोर्ड वर्टिकली बिटवीन टू ग्लास प्लेट, प्रोटीन बैंड्स आर सेपरेटेड, वो ऊपर वाला दिखाया नहीं है यहाँ पे, स्टैकिंग जेल देखता हूँ कहाँ है, यहाँ पे नहीं है, मैं भी आ गया। विजुलाइजेशन इजी है, बेसिकली दिस इज द बेस्ट कॉमर्सी ग्लू, क्योंकि दिस इज नॉन डेंजरस एंड नॉन कैंसरस, एंड ब्लू स्टेन अक्सर आप देखोगे पिक्चर में ब्लू कलर आता है, तो ब्लू कलर इज बिकॉज ऑफ इथिलीन ब्रोमाइड यूज करेंगे तो रेड कलर आएगा, ब्लैक आएगा तो सिल्वर यूज किया हुआ है, ठीक है, दिस इज द डिफरेंट कलरेशन। अल्ट्रावायलेट रेज में भी आप देख सकते हो, बट यू शुड यूज द दिस कॉमर्सी ब्लू, है ना, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में यू कैन सी इट क्लियरली, यूर योर डीएनए इज देयर, आपको डी एन आर देयर, तो अगर आपने रेडियोएक्टिविटी यूज करी है देन यू हैव टू गो फॉर द ऑटो रेडियोग्राम, और विजुलाइजेशन जो कर रहे हो आप जी इम्पोर्टेंट, हर लेबोरेटरी में यू कैन विजुलाइज द जेल, दिस विजुलाइजेशन डिपेंड्स ऑन द माइक्रोस्कोपी सॉरी जेल डॉग सिस्टम। सिल्वर डाई किसमें यूज करेंगे? उसी में डीएनए एनालिसिस में, प्रोटीन में भी कर सकते हो, बट अभी करते नहीं, इतना कॉस्टली होता है, कौन करता है, कॉमर्सी ब्लू सिंपल है। तो जेल डॉग एक सिस्टम होता है ना, आपको स्पेशल तरह का, जैसे आजकल मास्क लगाते हैं हवाई जहाज में चढ़ते हो ना, तो स्पेशल मास्क मिलता है, उसी तरह से जेल डॉग सिस्टम होती है, इसमें नीचे यूवी रेज होता है और ये जेल होती है आपका, ये यूवी रेज है, नीचे से पड़ती है तो आंख पे सीधा पड़ने के चांस है, तो आप एक ग्लास कवर करके जेल डॉग में बैंड देखते हो, सारी ब्लू कलर की होती है, यूवी रेज से चमकती है, उसकी फोटोग्राफ ले सकते हो, दैट इज द ब्यूटी पार्ट। तो व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ एसडीएस पेज, एसडीएस पेज कोट प्रोटीन मॉलिक्यूल गिविंग ऑल प्रोटीन ए कांस्टेंट चार्ज, तो चूंकि चार्ज सेम हो जाता है तो दैट्स व्हाई दे आर सेपरेटिंग ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ओनली सेपरेशन बेस्ड ऑन मास रेशियो, ठीक है, जी मास्किंग ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटीन बाय लार्ज नेगेटिव चार्ज ऑन एसडीएस बाइंडिंग विद देम द प्रोटीन माइग्रेट अलोंग द जेल इन ऑर्डर फॉर इंक्रीजिंग साइज ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। एसडीएस पेज सोडियम डोडेसिल सल्फेट पॉलीफिनोल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज टेक्निक वाइडली यूज्ड इन बायोकेमिस्ट्री फोरेंसिक्स जेनेटिक्स मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी के मास के आधार पर खाली सेपरेशन हो रही है, देर इज नो चार्ज इन्वॉल्व, जबकि नेटिव पेज में क्यू बाई एम था, नेटिव पेज यूजिंग क्यू बाई एम, एंड आपका एच डी एस पेज ओनली मास एंड सेपरेशन इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज और मॉलिक्यूलर वेट, तो लार्ज साइज अगर होगा तो सबसे लेट सेपरेट होगा, स्मॉल साइज इजिली सेपरेट फर्स्ट सेपरेट, ठीक है। तो एसडीएस की प्रॉपर्टी भी पूछता है, एसडीएस इज ए एनायनिक डिटर्जेंट, एसडीएस इज ए एनायनिक, इसका कई बार पूछ चुका है, व्हाट इज द नेचर ऑफ एसडीएस, एसडीएस इज ए एनायनिक डिटर्जेंट एंड डीनेचर सेकेंडरी एंड नॉन डाइसल्फाइड लिंक्ड टर्शियरी स्ट्रक्चर, तो कैसे ओपन करता है नेटरी स्ट्रक्चर को, दे आर डीनेचर सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, चल भैया आज की कहानी खत्म हो गई उधर ही, सो वैसे मैंने अलग से अपनी रिकॉर्डिंग कर ली है ताकि आपको मिल जाए वीडियो, डीनेचर सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड नॉन डाइसल्फाइड लिंक टर्शियरी स्ट्रक्चर,
दिस इज ठीक है by wrapping around the polypeptide back. In so doing, SD is conferred a net negative charge to polypeptide in proportional to length. Molecule in solution, SD is a net negative charge within wide pH range. This is important. And a polypeptide chain bind amount of SDS in proportion to its molecular mass. Negative charge in the SDS destroy most of the complex structure of protein and are strongly attracted toward an anode in the electric field. So anode is positive charge. Anode is positive charge. They are moving here. Charge R group, hydrophobic areas, and after SDS, they becomes non-folded. Non-folded structure. यहाँ पे क्या था? Folded structure. ठीक है. So without SDS, if we are adding the SDS, you can see different type of charges. अब ये देखो, ये है ना स्टैकिंग जेल. दिस इज स्टैकिंग जेल एंड दिस इज सेपरेटिंग जेल. यहां देखो, ये दिखा रहा है ग्रीन कलर से स्टैकिंग जेल. कैन यू सी इट? ये ऊपर बफर लोडिंग है ना. दिस इज स्टैकिंग, दिस इज रनिंग जेल. अब ये देखो, बिग प्रोटीन एंड देन स्मॉल प्रोटीन. This is the positive electrode. This is the negative. तो दो जेल होता है ना सर? हाँ, दो जेल. Stacking gel, large pore size. बहुत large pore size होता है. ये होता है small size. Stacking gel और running gel. Resolving gel. हाँ, इसी को resolving कहते हैं ना, running gel को. रिजॉल्विंग क्यों कहते हैं? क्योंकि रिजोल्यूशन इज वेरी गुड सर. रेजोल्यूशन मोर होता है. रेजोल्यूशन इज वेरी हाई. सो स्मॉल साइज पर है तो ऑब्वियस बात है, रेजोल्यूशन तो ज्यादा ही होगा. तो यू कैन सी नाउ हियर हाई मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन. जिस तरह प्रोटीन बैंड इलेक्ट्रोड, लो मॉलिक्यूलर प्रोटीन सबसे जल्दी सेपरेट हुआ. जिस तरह लार्जर फ्रैगमेंट, दिस इज स्मॉलर फ्रैगमेंट, दिस इज डायरेक्शन ऑफ सेपरेशन. जिस कोटेड लार्ज प्रोटीन माइग्रेट स्लोली वाइल स्मॉल प्रोटीन माइग्रेट क्विकली. नियर द बैंड टू द वेल द लार्जर द मॉलिक्यूलर साइज. बैंड के जो नियर होगा उसकी साइज हमेशा बड़ी होगी या उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा. तो ये जेल देके आपको पूछ सकते हैं या स्टोरी बना के पूछ सकते हैं कि जहाँ पे ज्यादा जेल के पास है देन उसकी साइज क्या होगी या उसका वेट क्या होगा. इसीलिए हर चीज समझा दे रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत कहीं पे ना आए, क्योंकि क्वेश्चन जब आता है तो दिमाग घूम जाता है, 360 दिमाग घूम जाता है, सब पता नहीं चलता. तो दिस इज द स्टैकिंग जेल है ना, स्टैकिंग जेल. फिर आएगा सेपरेटिंग जेल, ग्लास प्लेट के बीच में होता है उनका सेपरेटिंग जेल. लार्ज पॉलीपेप्टाइड, स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड, रिमूव जेल एंड स्टेन फॉर प्रोटीन. तब जैसे हमने स्टेन करी, स्टेन करने के बाद यू कैन सी द बैंड नंबर. बैंड नंबर के आधार पे नाउ यू कैन एनालाइज कौन सी प्रोटीन है. राइट, स्पेक्टिन है, एंकाइरिन है, अगर प्रोटीन है तो एक्टिन है. मतलब बेस्ड ऑन द बैंड नंबर, बिकॉज दे आर सेपरेटिंग ऑन बेस्ड ऑन द मॉलिकुलर वेट. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेटिव पेज एंड एसडीएस पेज? ऑब्वियसली नेटिव पेज सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द थ्री फैक्टर. देर आर थ्री फैक्टर चार्ज, मास, शेप. चार्ज, मास एंड शेप, ये तीनों फैक्टर डिटरमाइनिंग इंपॉर्टेंट है फॉर नेटिव. नेटिव इमेज नेटिव स्ट्रक्चर नॉट डी नेचर, दैट्स इट. दिस इज कॉल्ड एज नॉन डी नेचरिंग डी नेचर. जबकि एस डी एस पेस क्या होता है? दिस इज डी नेचर है ना, मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन. ठीक है, दिस वाज द ओरिजिनल मोड ऑफ इलेक्ट्रो प्रोसेस यूज फॉर सेपरेशन एंड कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर ऑफ प्रोटीन. दिस इज इम्पोर्टेंट. अगर मान लो आपने किसी सेल से आइसोलेट किया प्रोटीन जो कि इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी,
तब आपको पता नहीं कि कौन सी प्रोटीन है, तो यू हैव टू गो फॉर द नेटिव पेज रादर देन एसटीएस पेज. तो व्हेन यू नो देयर स्ट्रक्चर एंड नाउ यू वांट टू प्यूरिफाई फ्रॉम इट्स अदर प्रोटीन देन ओनली यू शुड यूज द एसटीएस पेज. सो इतना ज्यादा आपका मेमोरी शार्प रहती है. Application is used for estimation of molecular weight of protein nucleic acid, determination of subunit structure of protein, purification of. तो molecular weight determination कल हम start करेंगे, आज हम रहने देते हैं क्योंकि आज तुम लोग काफी थक गए हो और कल थोड़ा बताएंगे ये सी एस आर. ऐसे बहुत दिन में बैठ के देखती रहती है. ठीक है, तो कल ये भी डिस्कस करेंगे. प्योरिफिकेशन टेबल है ये, तो ऐसे टेबल ही दे दिया था सी एस आर में, इसमें बड़ा इजी था लेकिन कई बच्चे गलती कर गए. जैसे यहाँ पे दिया टोटल प्रोटीन एंड एक्टिविटी, तो स्पेसिफिक यूनिट 10 कैसे आई जब आपने ये डिवाइड कर दिया है ना, सबको डिवाइड करना है डिवाइड करके. हाँ, ये लेना ही नहीं था, कई बच्चों ने इसको भी लेना शुरू कर दिया तो गलत आ गया. आंसर ये सब दिया अपॉन एक्टिविटी. हाँ नहीं नहीं, एक्टिविटी अपॉन टोटल प्रोटीन, एक्टिविटी अपॉन टोटल. हाँ यस सर, यस सर. हाँ, ये पूछा वैसे सर, स्पेसिफिक एक्टिविटी यूनिट्स पर एमजी, ठीक है ना. अब एक स्टूडेंट है एमजी प्रोटीन प्योरिफिकेशन का, एक स्टूडेंट है अंजू, कल कहने लगी मेरी शादी होने वाली है आप जल्दी से पढ़ा दो मेरा कोर्स खत्म हो जाए. हाँ ये सर, हमने कहा भैया ऐसा गूगल क्लास ले लो, पेमेंट पूरा कर दो, हमें कोई इश्यू नहीं है. अभी तक पेमेंट नहीं किया उसने, कल भी कर रही थी आज भी करती रहेगी, अभी तक नहीं किया. तो ये इतना चेंज होगा एसडीएस पेज की तरह तो कैसे काम चलेगा, उसे शहर भी निकालना है, पढ़ाई भी करनी है, अब जो मेहनत करना है. बात, जब मुझसे बात की तो मैंने कहा कि ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप उस कोर्स को कब खत्म कर दो, 2 दिन में खत्म कर दो या 6 महीने में कर दो. मैंने सारी रिकॉर्डिंग मैंने बोला मिल जाएगा, कहा 2 यूनिट पढ़ो आप हर मंथ में. हाँ, 4 यूनिट है, 4 महीने 6 महीने 5 महीने बचे हुए हैं, आपके 10 से 11 यूनिट कवर हो जाएंगे. ये फार्मूला याद रखना बेटे, ये कभी पोटेंशियल, कभी इलेक्ट्रिक, कभी जेड, कभी एफ, ये सब पूछ देते हैं. पी बाई ई ये माइग्रेशन है, म्यू जेड बाई एफ है ना, जेड मतलब चार्ज, एम बाई एफ क्या भाई बोल रही हूँ. हाँ ये देखो नोट कर लो, प्रोटीन विल बाइंड अबाउट 1.4 टाइम इट्स वेट ऑफ एसडीएस, नियरली 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसडीएस फॉर ईच अमीनो एसिड, यही चीज पूछा हुआ था सीएसआर में, ठीक है. तो 1.4 टाइम इट्स वेट है ना कि एसडीएस मॉलिक्यूल, सो 1 एसडीएस इज बाइंडिंग पर अमीनो एसिड. तो दिस इज द सिनेरियो, एसडीएस बाइंडिंग पार्शियली अनफोल्ड प्रोटीन so that most SDS bound protein assume rod like shape, which हमने आपको दिखाया भी था. Electrophoresis and presence of SDS therefore separate protein almost exclusively on the basis of mass or molecular weight. तो कुछ क्वेश्चन में कल स्टार्ट करेंगे 2D gel electrophoresis. जब आपने SDS थोड़ा पढ़ लिया, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, then you will know कि हाँ चलो. थैंक यू.